अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साकिब हैज़ 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स मेजरिंग 6 1/4 मीटर्स एंड 5 2/5 meters. He used 8 1/6 meter of his shirt and remaining cloth was kept to be used for table cover. How much cloth is left for table cover? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा देती हूँ। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि साकिब जो था, ठीक है, उसके पास 6 1/4 meter एंड 5 2/5 meter एक कपड़े का टुकड़ा था। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने सबसे पहले ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि 8 1/6 meters कपड़ा जो है वो अपनी शर्ट के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। टोटल इतनी मीटर कपड़ा हो गया, फिर उस टोटल में से जितना उसने यूज़ कर लिया उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साकिब हैज़ 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ्स। आकिब के पास 2 पीस थे कपड़ों के, जो कि एक इतने मीटर का था और दूसरा इतने मीटर्स का था। मैंने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर मीटर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, एंड को हमने कन्वर्ट कर दिया प्लस में और मिक्स्ड फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप हो गया, जो कि आपको आ गया होगा समझ। 6 4 6 24 24 में 1 प्लस किया तो 25/4, 5 5 25 25 में 2 ऐड के 27 27/5। ठीक है, मज़ीद ये देखें, आपने इसका एलसीएम ले लेना है 4 and 5 का। अब इसका एलसीएम हमें इस फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो इस तरह की, अगर आप जब भी देखें कि आपके पास एक वैल्यू ऑड नंबर में आ रही है और एक इवन नंबर में आ रही है, यानी दोनों अपोजिट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक ऑड है और एक इवन है, तो आप डायरेक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो। 4 5 20। ठीक है, तो अब हमारा एलसीएम फाइंड हो गया 20। 4 का टेबल कितनी दफ़ा काट रहा है 20 को, 4 5 20, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 120 125 आ जाएगा। प्लस 5 4 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम है। नेक्स्ट में आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो। यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर लिया है, मेरे पास 233/20 आ गया है। इसके बाद हमने बताना है कि कितना कपड़ा उसने यूज़ किया है। ठीक है, अब इस टोटल में से हमने यूज़ेबल कपड़े को जो है वो काट देना है, यानी कि माइनस कर देना है। ठीक है, नाउ ही यूज्ड शर्ट, उसने कितनी शर्ट के लिए यूज़ कर लिया, उसने कितना यूज़ किया, 8 1/6 meter, मिक्स्ड फॉर्म को प्रॉपर में कन्वर्ट किया। देन रिमेनिंग क्लॉथ, ठीक है, बाकी कपड़ा जो बचा उसके पास, टोटल में से जो यूज़ेबल था उसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास 20 और 6 दोनों इवन नंबर हैं, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम दिया। 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 3 3 आ जाएगा। अब एक दफ़ा 3 के टेबल से कटिंग होगी और एक दफ़ा 5 के टेबल से। यह आपके पास इसके मज़ीद फैक्टर्स आ चुके हैं, 2 2 and 3 and 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। इसका जो आपके पास एलसीएम आया है वो 60 आया है। ठीक है, तो 20 के टेबल ने 3s are काटा 60 को, 3 को मल्टीप्लाई किए ऊपर वाली वैल्यू से तो आपके पास ये आ गया, माइनस 6 10s are 60, 10 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 490 आ गया। उसके बाद आपने इसको माइनस किया तो आपके पास ये आ गया, तो दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। होप कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।
थैंक यू सो मच।